वेलकम स्टूडेंट, आज डबल रिवेट लैप्स जॉइंट बनाना सीखेंगे, वो भी चैन टाइप्स का। पिछले वीडियो में हमने सीखा था सिंगल रिवेट लैप जॉइंट, आज सीखेंगे डबल रिवेटेड लैप जॉइंट चैन टाइप। तो अब इसमें हमें देखना है कि ये कैसे बनेगा। अब देखिए, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट चैन टाइप, ये आपके सामने बना हुआ है कि एक प्लेट वन, प्लेट वन, ये है प्लेट टू, प्लेट वन प्लेट टू। तो अब इस पर हमें क्या करना है कि बनाना है। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये मेरे पास दो प्लेट्स है, अब इनको हमें जॉइंट करना है। तो मैंने मान लिया कि इस तरह से ओवरलैप करा दिया। तो जब ओवरलैप करा दिया तो अब इसको हमें क्या करना है, रिवेट के थ्रू ज्वाइंट करना है। तो मैंने क्या किया कि एक होल यहाँ पर किया, एक होल यहाँ पर किया, एक होल इधर किया, एक होल इधर किया, सेम होल होंगे दोनों प्लेटों में। तो जब दोनों प्लेटों में सेम होल होंगे तो रिवेट को असेंबल करेंगे। और जिधर टेल, रिवेट में एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। तो अब जिधर टेल होगा तो दूसरी तरफ से हैमरिंग करेंगे। यहाँ से हमने रिवेट को असेंबल कराया तो यहाँ से नीचे से हैमरिंग कर देंगे। तो हैमरिंग करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर भी हेड बन जाएगा। अब जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो यदि नट बोल्ट या असेंबल हमें करना है तो कुछ मार्जिन ड्रॉप करने के बाद पहले ही करते हैं। तो जैसे मान लिया कि ये मार्जिन है हमारा इतना, और होल यहाँ पर है, तो होल को तो हम यहाँ पर भी बना सकते थे ना, लेकिन यहाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि एक मार्जिन देना होता है जिससे ओवरलैप के समय बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यदि यहाँ कर देंगे तो फिर हमें कुछ दूसरा काम करना होगा तो प्रॉब्लम आएगी, तो और सही से जॉइंट लगेगा भी नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कुछ एरिया को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब कुछ मार्जिन दे देते हैं। तो वो मार्जिन हमारे इस पर कितना होता है, मैंने मान लिया कि होल मेरा यहाँ पर है, इतना मार्जिन हमने दे दिया, होल यहाँ पर है और इतने भाग को हमने मार्जिन में दे दिया। तो जब मार्जिन पे दे दिया है तो ये मार्जिन हमारा कितना होता है, 1.5D, ये मार्जिन इक्वल टू 1.5D। और फिर इसके बाद ये तो सिंगल रिवेट की बात हो गई कि मतलब अब दोनों प्लेटों को ज्वाइंट करना है, तो इस तरह से हमने ज्वाइंट कर दिया। तो ये तो सिंगल रिवेट की बात हो गई। अब बात करते हैं जब डबल रिवेट की, तो इसी में डबल रिवेट लगनी है तो एक रिवेट इधर लगेगी, एक रिवेट यहाँ पर लगेगी। तो जैसे इस पे क्वेश्चन पे लगी हुई है, एक रिवेट इधर लगी हुई है, एक रिवेट इधर लगी हुई है, ये क्वेश्चन का फ्रंट व्यू बना हुआ है। तो जब एक रिवेट यहाँ पर लगी हुई है हमारी, दूसरी रिवेट यहाँ पर लगी हुई, तो इस रिवेट के पहले दूसरे वाले रिवेट का सेंटर और पहले वाले रिवेट का सेंटर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2D+6, जिसे हम बैक पिच बोलते हैं, PB। तो ये बैक पिच हो गई। अब इसके बाद ये हमारी प्लेट वन है, ये प्लेट टू है। तो अब इस पर क्या कहते हैं कि ये प्लेट भी तो हमारी यहाँ तक आएगी, ये इस तरह से। तो ये कट क्यों लगाया गया, ये कट इसलिए लगाया गया है UDL के लिए, कि मतलब कार्नर्स को शार्प कर दिया गया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और लोड हमारा बियर कर सके। तो इसलिए इसको शार्प कर, क्योंकि जब इसके बाद फिर दूसरी प्लेट लगेगी तो ये ओवरऑल यहाँ से 10 डिग्री का एंगल, 10 डिग्री का एंगल, या 10 डिग्री का एंगल, या यहाँ से इस पॉइंट से 10 डिग्री का एंगल बना, या इस पॉइंट से 10 डिग्री के एंगल पर टिल्ड करा देंगे, या फिर यहाँ से 2 mm, 1 mm या 2 mm, 1 mm या 2 mm, इस पॉइंट से इस तरह से लाइन खींच देंगे, UDL का काम करने लगेगा। तो अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें हाइट कितनी होगी। तो हाइट इसकी इस प्लेट से 0.7D होगी, और ये जो लेंथ है हमारी 1.6D, ये हमारी लेंथ होती है, ये रिवेट का डायामीटर होता है। जैसा काम ऊपर पोर्शन पे होगा वैसा ही काम नीचे पोर्शन पे होगा। जब कोई भी रिवेट हम बनाएंगे, तो मान लिया कि यहाँ पर हम रिवेट बना रहे हैं, तो इसके बाद रिवेट नहीं बनना है तो हमें एक मार्जिन देना होगा। तो वो मार्जिन हमारा कितना होता है, 1.5D, वो मार्जिन हमारा 1.5D है। अब ये रिवेट बन चुकी है, अब इसके बाद हमें मार्जिन देना है, तो वो मार्जिन कितना आएगा हमारा, 1.5D, इतना मार्जिन हमें देना ही होता है। और इसके बाद बाकी प्रोसेस अंदर होती रहती। ये इसका फ्रंट व्यू है,
और ये प्लेट की थिकनेस इधर है टी, ये भी थिकनेस प्लेट की क्या है टी। अब इसमें सेक्शनिंग की जाती है, तो जब इसमें सेक्शनिंग की जाती है तो 45 डिग्री पे सेक्शनिंग की जाती है 1 से 2 mm पे। जैसे इस पे मैंने इस तरह से सेक्शनिंग कर रखी है, इस तरह से सेक्शनिंग कर रखी है, तो इसमें मैंने क्या किया है अपोजिट सेक्शनिंग की है। इसलिए की जाती है कि हमें पता चले कि कौन सी प्लेट 1 है कौन सी प्लेट 2 है। अब इसमें मैंने मान लिया कि कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन में रिविट का डायामीटर हमें दिया गया है 24 mm, तो रिविट का डायामीटर 24 mm दिया गया है, तो थिकनेस निकाल लेंगे, थिकनेस के बाद हाइट निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, और मार्जिन भी निकाल लेंगे, और पीबी भी इसका निकाल लेंगे। तो क्योंकि हमें पीबी इसलिए निकालना होगा क्योंकि डबल रिविट है, तो साफ साफ क्वेश्चन ने बोल रहा है डबल रिविट, तो डबल रिविट की बात की है, तो एक रिविट के सेंटर से दूसरे रिविट के सेंटर के बीच की दूरी 2D+6 होती है। और फिर जब इसके टॉप व्यू पे हम आ जाते हैं, तो ये रहा इसका टॉप व्यू रहा, तो टॉप व्यू जब भी बनाएंगे तो ये तो इस समय जो आया है ये प्लेट 1 से है, प्लेट 2 से भी आएगा, फिर टॉप व्यू बनाएंगे, तो यहाँ से 1.5D मतलब मार्जिन 1.5D, ये जो हमारा यम है इतना ड्राप करने के बाद इस सर्कल का सेंटर आएगा। फिर दूसरा सर्कल हमें बनाना है इसी के जस्ट नीचे, जो रेफरेंस लाइन है इसी पे हमें बनाना है, तो इस सेंटर के बीच की दूरी होगी 3D, जिसे हम पिच बोलते हैं, वो कितनी होगी 3D। फिर जब हमें इसको पैक करना है, मतलब इंड करना है, अब इसके बाद हमें सर्कल नहीं बनाना है, तो इस सेंटर से यहाँ तक के बीच की दूरी होगी यम इक्वल टू 1.5D। चलिए अब ड्राइंग शीट पर चलते हैं और बनाते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ डबल रिविटेड चैन टाइप लैप जॉइंट टेक डायामीटर ऑफ रिविट 24 mm। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि 24 mm डायामीटर दिया गया है और इसी पे हमें वर्क करना है। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि 24 mm डायामीटर हमें दिया गया है और इसी पे हमें वर्क करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमें 24 mm का डायामीटर दिया गया है, तो सबसे पहले D इक्वल टू 24 mm। फिर अब इसकी थिकनेस निकालनी है टी, तो डी इक्वल टू क्या होता है 6√T, तो D/6 = √T। अब इसके बाद डी की वैल्यू कितनी है 24/6² = T, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 16 mm। अब इसके बाद इसकी हाइट का फार्मूला क्या होता है 0.7D, तो h इक्वल टू 0.7 × 24, तो कितना आ जाएगा h इक्वल टू 16.8 mm। अब इसके बाद इसकी लेंथ कितनी होती है, हेड की लेंथ कितनी 1.6D, तो 1.6 × 24 कितना आया 38.4 mm। अब इसकी मार्जिन यम इक्वल टू 1.5D = 36 mm, क्योंकि यहाँ पे 24 रखोगे। फिर अब इन दोनों के बैक पीस क्या होगी, PB = 2D+6 = कितना आएगा 54 mm। ये तो हमारी कैलकुलेशन हो गई इस क्वेश्चन की, जो हमें क्वेश्चन दिया गया। अब चलिए ड्राइंग शीट पे चलते हैं और बनाते हैं। ये हमारी पास ड्राइंग शीट है, अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक प्लेट बनाएंगे। तो एक प्लेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से एक लाइन ड्रा करनी होगी। लाइन हमने ड्रा कर लिया, अब इस
इसकी लंबाई कुछ भी आप ले सकते हो, नो इशू, लंबाई आप कितनी भी ले सकते हो। लेकिन एक इशू है कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ से आपको ओवरलैप कराना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.5D। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2D+6। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट के जो दूसरी प्लेट ओवरलैप होगी, प्लेट वन प्लेट टू, तो जब ये दूसरी प्लेट ओवरलैप होगी तो इस सेंटर से इसकी दूरी भी कितनी होनी चाहिए, 1.5D। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये हमने लाइन खींच दी, अब ये लाइन खींच दी तो अब हमारे पास, मैंने मान लिया कि यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें मार्जिन कितना दिया गया है, 36 mm। तो यहाँ से मैंने, इस पॉइंट से मैंने क्या किया, 36 mm मेजर कर लिया। अब ये 36 mm का सेंटर आ गया, तो अब इससे मैंने क्या किया कि 36 mm के बाद हमें क्या लेना है, दूसरी रिविट भी बनानी है, तो PB लेना है, तो PB हमें कितना दिया गया है, 54 mm। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ तक 54 mm इस तरह से मेजर कर लिया, 54 mm। अब इसके बाद 54 mm के बाद दूसरी रिविट नहीं है, तो हमें एक मार्जिन लेना होगा, तो मार्जिन की लंबाई हमें कितनी दी गई है, 36 mm। इस तरह से मैंने 36 mm मेजर कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें ये प्लेट एक हमारी बन गई, तो अब प्लेट की हमें थिकनेस चाहिए, तो थिकनेस हमें कितनी दी गई है, 16 mm, प्लेट की थिकनेस 16 mm। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ये 16 mm इधर, 16 mm इधर भी लाइन खींच दी, और इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मैच करा दिया। तो ये हमारी एक प्लेट बन गई। अब इसके बाद दूसरी प्लेट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से थिकनेस, क्योंकि हमारी मार्जिन यहीं पर आ रही है, तो ये यहाँ से हम क्या करेंगे, 16 mm। यहाँ से हमने 16 mm ले लिया, 16 mm के बाद इस लाइन को हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, और फिर यहाँ से भी हमने क्या किया, लाइन को पैरेलल लेके लाइन ड्रा कर दी। इस तरह से लाइन हमने ड्रा कर दी, और यहाँ तक हम, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इंड कर दिया, यहाँ पर हमने इसको, इस प्लेट को इंड कर दिया। तो अब जब इंड कर दिया और इस जो बाहर लाइन है इसको हटा दिया, अब इसके बाद हमें इस पे जिविट्स बनाने हैं। तो जब जिविट्स बनाने हैं तो ये हमारा एक पॉइंट था, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक रेफरेंस लाइन आराम से ले ली। तो ये रेफरेंस लाइन को हम लार्ज कर लेंगे, क्योंकि इसी में हम बनाएंगे टॉप व्यू अभी प्रोजेक्शन के थ्रू। तो फिर यहाँ से भी हमने क्या किया, प्रोजेक्शन से लिया, प्रोजेक्शन से लेने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब ये प्रोजेक्शन तो हमने ले लिया है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें UDL देना है। तो UDL के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 mm, इस तरह से यहाँ से 2 mm, यहाँ से 2 mm, 2 mm या 10 degree, और इस तरह से मैंने क्या किया, लाइन खींच दी, अब यहाँ से भी मिला दिया। तो ये हमारा UDL बन गया, मतलब यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूटेड को कैदी करने के लिए ये हमारा UDL बन गया। तो अब इसके बाद इतना काम हो गया, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इस पर हेड बनाना है। तो हेड बनाने के लिए डी डायामीटर लेंगे, हमें डायामीटर कितना दिया गया था, डी कितना था हमारे पास, डी 24 mm, तो 24 mm था, तो सेंटर से 12 mm लेफ्ट में, 12 mm राइट में, देखिए ये मैंने 12 mm लेफ्ट में लिया, 12 mm राइट में लिया, और इसी के पैरेलल मैंने लाइंस को मिला दिया, क्योंकि हमें नीचे भी लेना है,
अब 12 mm यहाँ से भी लेंगे क्योंकि दूसरे रिवेट का भी डायमीटर 12 mm दिया गया है हमें। ये 12 ये 24। अब इसी लाइन के पैरेलल इधर से भी हमने लाइंस ड्रा कर दिया। अब इसके बाद हमें हाइट लेनी है, तो इसकी हाइट कितनी दी गई है, h इक्वल टू 0.7d, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16.8 mm। तो इस पॉइंट से यहाँ से हाइट इसकी ले लेनी है 16.8। ये मैंने ले लिया, तो एक ही मैंने ले लिया है। तो अब इसी से हम क्या करेंगे, मेजर करके सभी का पॉइंट लगा लेंगे। इधर भी लगाना है हमें, इधर भी लगा लिया। तो ये हमें यहाँ पर इस तरह से पॉइंट्स मिल गए। अब पॉइंट्स के बाद हमें लंबाई कितनी दी गई है, यल इक्वल टू कितना दिया गया है, तो यल इक्वल टू हमें यहाँ पे लिखता हूँ, यल इक्वल टू हमें कितना दिया गया है 38.4 mm। तो अब इसका हाफ करोगे यल बाई टू इक्वल टू कितना आएगा 19.2 mm। तो अब क्या करोगे, सेंटर से 19.2 mm, इधर लेफ्ट में 19.2 mm, लेफ्ट में इस तरह से आप ले दोगे। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से भी मैंने एक आर्क ले लिया, आर्क ले लिया। तो जब आर्क ले लिया तो अब इसमें हमें मेजरमेंट कराना है, अब हमें इधर भी लेना है। तो इस तरह से मैंने इधर भी एक आर्क लगाया, इधर भी आर्क लगाया, फिर अब यहाँ से भी मैंने इधर एक आर्क, इधर एक आर्क, यहाँ से भी मैंने एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, या तो आप स्केल से भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे मुझे कितने पॉइंट्स मिल चुके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे क्या करना है, हेड बनाना है इसका। तो अब जब मुझे इसका हेड बनाना है, तो हेड बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसके बीच की दूरी ली, ये जो मैंने यल बाई टू है यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ली, इस तरह से मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी ले ली। तो अब जब दूरी ले ली तो ये जो हमारी हाइट थी, तो इस पॉइंट पे गए और यहाँ पे आर्क लगा दिया। सेम काम यहाँ पर भी किया मैंने, ये आर्क लगाया, यहाँ से ये इधर आर्क लगाया और इस रिवेट पे इस तरह से आर्क लगा दिया। अब इन आर्क के सेंटर पे रखने के बाद तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरह से मैंने आर्क लगा दिया, हेड बना दिया इसका। सेम काम यहाँ से भी, सेम काम मैंने नीचे रिवेट के नीचे भी हेड बना दिया इस तरह से। अब इस पॉइंट पे रखा और ये सेंटर पॉइंट पे रखा, तो इस तरह से ये मेरे हेड बन गए, इस तरह से बन गए, इस तरह से ये हेड बन गए। अब इसके बाद मैं डायमेंशन शो करा देता हूँ कैसे क्या है हमारा अंदर का। ये हमारा डी है, इस सेंटर के बीच की दूरी, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी 2d+6 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी
यम इक्वल टू ये पी बी है, यम इक्वल टू 1.5 डी। फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी यम इक्वल टू 1.5 डी, ये हमारी डिस्टेंस है। तो अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी यल इक्वल टू 1.6 डी। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी यच इक्वल टू 0.7 डी। ये हमारा मीजरमेंट्स है, ये हमारी प्लेट की थिकनेस है टी, ये इधर प्लेट की थिकनेस है टी। अब इसके बाद इधर प्लेट की थिकनेस टी, तो ये हमारी अपर प्लेट है, ये हमारी अपर प्लेट है, प्लेट वन। अपर प्लेट लोअर प्लेट अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट। अब यहाँ पे हमें अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट इस तरह से हमारा बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हाइजिंग करनी है। तो जब अब हमें इसमें हाइजिंग करनी है तो हाइजिंग भी कर देते हैं। ये आपको लाइट करना है और यहाँ पे ये जो पार्ट है ट्रायंगल वाला इसको आपको रफ कर देना है, इसको आपको रफ कर देना है दोनों तरफ से इस तरह से। अब यहां से हाइजिंग कर लेते हैं जल्दी से। ये बेटा आपको जो हाइजिंग करोगे, जो सेक्शनिंग करोगे, तो ये 2 से 3 mm के गैप पे ही करोगे और 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंगल। इस तरह से बेटा मैंने ऊपर वाली प्लेट में हाइजिंग कर दी, सेक्शनिंग कर दी। अब इस पे नीचे वाले प्लेट में जो सेक्शनिंग की जाएगी वो कुछ इस तरह से उसके अपोजिट की जाएगी। अपोजिट की जाएगी इस पे, ये भी 45 डिग्री पे ही होगी, 2 से 3 mm के बीच पे। इस तरह से मैंने हाइजिंग कर दी। इस तरह से मैंने हेजिंग कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि प्रोजेक्शन लेके हमें बनाना है क्या, ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया, ये हमारा है फ्रंट व्यू। अब इसके बाद आप सीधे बनाओगे, एक लाइन खींचोगे हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ से प्रोजेक्शन ले लोगे, तो प्रोजेक्शन लोगे तो ये हमारी कौन सी प्लेट है, अपर प्लेट है। अपर प्लेट के बाद इससे ले लेंगे प्रोजेक्शन, फिर जहाँ से यूडीएल लग रहा है वहाँ से भी प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट कराएंगे, इधर भी लेंगे। यहाँ से भी और एंड पॉइंट से भी, ये हमारी लोअर प्लेट हो गई। तो जब अब लोअर प्लेट और अपर प्लेट की बात करते हैं तो कैसे क्या होगा कि लोअर प्लेट आपकी ऊपर होगी, क्योंकि लोअर प्लेट का प्रोजेक्शन आप यहाँ से ले रहे हो, तो कुछ
इस तरह से हमारी लोअर प्लेट आएगी कहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक लोअर प्लेट हमारी आएगी इस तरह से, ये हमारी लोअर प्लेट आएगी। अब ये इसकी थिकनेस कितनी होगी वो भी हमारी 16 mm होगी, क्योंकि मेरे पास स्पेस उतना नहीं है। चलिए बना देता हूँ। इस पॉइंट से 16 mm आप ऊपर आओगे, क्योंकि प्लेट की थिकनेस हमें कितनी दी गई है, क्योंकि प्लेट की थिकनेस हमें 16 mm दी गई है। तो अब ये यहाँ से हमने क्या किया कि ये लाइन खींची और ये लाइन खींची, तो ये हमारा क्या हो गया, लोअर प्लेट हो गई। ये भी हमारी लोअर प्लेट है, और ये जो हमारी प्लेट है ये वाली नीचे वाली, ये क्या है, ये नीचे वाली हमारी अपर प्लेट है, नीचे वाली हमारी अपर प्लेट है और ये लोअर प्लेट है। अब इसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं, कितना मार्जिन लेना शुरू करते हैं। तो मार्जिन कितना लेंगे, अब यहाँ से हमें मार्जिन लेना है, तो मार्जिन हम कितना लेंगे, 1.5D मतलब 36 mm, ये हमारा 36 mm यहाँ पर मिला, और फिर इसी के सामने 36 mm हमें इधर मिलेगा। तो अब इसके बाद हमें बनाना है क्या, एक सर्कल। जब आप टैप से देखोगे तो टैप को एक सर्कुलर भाग आपको दिखाई देगा, तो जब टैप से आप देखोगे तो आपको सर्कुलर भाग दिखाई देगा, तो यहाँ से ये इसका हेड दिखाई देगा। तो अब इसको सर्कल इसका यहाँ से बना लेते हैं, और यहाँ से भी बना लेते हैं, बना लिया। अब इसके बाद आपको एक डाया भी दिखाई देगा, तो ये डाया कितना दिया गया है, 24 mm, तो रेडियस कितना आएगी, 12 mm। ये आपको दिखाई तो नहीं देगा टॉप से, लेकिन आपको पता है, तो ये हिडन आएगा हमारा। इस तरह से अब इसके बाद आपको एक और सर्कल बनाना है, तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, इसके सेंटर से 54 mm यहाँ से भी 54 mm, इधर से भी, मतलब 2D+6। तो अब यहाँ से भी आप क्या करोगे, वही काम, क्या जो हमारी लेंथ थी, लेंथ का हाफ करने के बाद आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे। इस तरह से आप सर्कल बनाओगे, सर्कल बनाओगे, और फिर उसके बाद आपको डाया का सर्कल लेना है, तो जो हिडन आएगा हमारा, अब यहाँ के बाद मेरे पास स्पेस नहीं है। यदि आपको और बनाना है तो आप क्या करोगे, फिर इसके बाद पी लोगे, P=3D, तो 3D के बीच की दूरी है, तो ये मेरा 3D ही है, क्योंकि मेरे पास स्पेस इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने 3D ले लिया थोड़ा कम स्पेस में। अब यहाँ से आपको जब बंद करना है तो 1.5D लोगे, मतलब 36 mm, ये 36 mm पे आप क्या करोगे, यहाँ से पैकिंग कर दोगे इसके, इस तरह से आपने इसकी पैकिंग कर दी। अब यहाँ से
इस तरह से आपका। अब मेजरमेंट लिख देते हैं, तो मेजरमेंट क्या होगा, ये क्या है, यम इक्वल टू 1.5 डी, पी इक्वल टू 3 डी, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे पैकिंग कर रहे हो तो यम इक्वल टू 1.5 डी। अब इसके बाद ये कितना होगा सर्कल, 1.6 डी, ये सर्कल डी दोनों के लिए। अब ये दोनों सेम आएंगे तो इसी को, ये हमारा क्या है, टॉप व्यू बन चुका है, ये हमारा पिच है। अब इसके बाद ये हमारी लोअर प्लेट है और ये नीचे वाली ये हमारी अपर प्लेट है और ये टी हमारी थिकनेस है, थिकनेस कितना है 16 mm। अब इसके बाद ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और इसके बाद इस पे आपको ये रिविट से दिखाई दे रहा है। आपको सेक्शनिंग लाइट करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और इसके बाद ये जो जहाँ पे मैंने 10 डिग्री लिया था या यहाँ से 2 mm लिया था UDL के लिए, तो यहाँ से आप इस लाइन को रफ कर दोगे, लेकिन प्रोजेक्शन पे आप लाइन को लोगे। अब इसके बाद प्रोजेक्शन लेने के बाद आप क्या करोगे, इन लाइंस को आप इस तरह से हटा सकते हो, इस तरह से सारी लाइंस को आप हटा दिया, क्योंकि अब हमें उसका काम नहीं है, तो हमने इन लाइंस को हटा दिया। तो ये तो था हमारा क्या, डबल रिविटेड लैप जॉइंट चैन टाइप, डबल रिविटेड लैप जॉइंट चैन टाइप। आराम से बेटा इसको बनाइएगा।